नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को राहत। उच्चतम न्यायालय ने हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ उन आरोपों की सीबीआई से जांच कराने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए खान ने 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। शीर्ष अदालत ने पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुके और तथ्यहीन है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायालय शर्मा की दलील से संतुष्ट नजर नहीं आया और याचिका खारिज कर दी। शर्मा की दलील थी कि सलमान ने एक समाचार पत्र को बताया था कि उसने अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। झारखंड में जुलूस के दौरान कंटेनर घुसा, 13 लोगों की मौत। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर में रविवार शाम सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान डुमरी की ओर से आ रहा एक कंटेनर घुस गया। हादसे में 10 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हताहत लोगों में ज्यादातर गैड़ा व संतुरपी गांव के हैं। हादसा बगोदर मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर गैड़ा के पास शाम 6:15 बजे हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक संतुरपी प्राथमिक विद्यालय से शाम 4 बजे सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को मिली धमकी। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को जेएनयू छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए कथित रूप से धमकी भरे फोन कॉल मिले हैं। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त जतिन नरवाल ने कहा कि उन्हें इसे लेकर एक शिकायत मिली है और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि पार्टी के मुख्यालय में रविवार रात 10:30 और 1 के बीच धमकी भरे 3 कॉल किए गए। सूत्र ने कहा कि फोन करने वाले जेएनयू मुद्दे के समर्थन को लेकर पार्टी के महासचिव को अपशब्द कह रहे थे। निशानेबाजी में भारत ने जीते 3 स्वर्ण पदक। भारत के निशानेबाजों ने अपने स्वर्णिम अभियान को 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में सोमवार को भी आगे बढ़ाते हुए पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा तथा महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पर निशाना साधा। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गुरप्रीत सिंह ने 28 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भारत के विजय कुमार, गुरप्रीत सिंह और अक्षय अशापुत्रे सुहास की तिकड़ी ने जीता। महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत की स्टार निशानेबाज हिना सिद्धू, यशस्विनी देशवाल सिंह और श्वेता सिंह की तिकड़ी ने स्वर्ण पर निशाना साधा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।